पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भाजपा नेताओं की तुलना उन गिद्धों से कर दी है जो मांस देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। दरअसल वो शनिवार की रात मुरादाबाद के नागवनी इलाके में कांग्रेसी प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र करके सफाई पेश करते हुए कहा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला कहकर वो भाजपा के निशाने पर आ गए थे। उसी की सफाई देते हुए सलमान खुर्शीद ने मंच से कहा कि भाजपा के लोग कांग्रेस के ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे गिद्धों का झुंड टूट पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं लेकिन सही मायने में क्या कर रहे हैं देश के लोग सब जानते हैं। वहीं चुनावी सफर में सलमान खुर्शीद ने खुद का जिक्र करते हुए कहा कि वो गंगा किनारे के रहने वाले हैं, माँ गंगा का पानी जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। कि हम दुनिया में जाकर कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, मैं शिकायत नहीं करूंगा किसी की, आज वजीर आजम की शिकायत नहीं करूंगा इसलिए कि जो वजीर आजम करते हैं वो आपके सामने है। शिकायत करूं तो वो फिर कहते हैं कि हमारी शिकायत हो रही है। खारगे जी ने उनके बारे में कुछ सच्चाई कह दी तो सच्चाई को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी जी पर प्रहार कर दिया, उन्होंने राहुल गांधी जी पर प्रहार कर दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर दिया। ऐसी गुफ्तगू कैसी है भाई, कैसी है गुफ्तगू, क्या है बात, जो शायर कह चुका है, गालिब कह चुके हैं कि क्या बात है कि हर चीज में आप तुमको तू कहता है, बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो क्या अंदाज़े गुफ्तगू इस मुल्क में आज है कि कोई भी बात कहो, सच बात कहो, हकीकत कहो तो हकीकत के जवाब में गाली पड़ जाती है, एकदम प्रहार हो जाता है, एकदम आप पर सब जीरो की तरह जुट पड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने हकीकत कही। हकीकत आखिर है तो क्या है, हकीकत ये है कि जो मुरादाबाद में लोग रहते हैं, जो रोज उनको रोजमर्रा उनको देखना पड़ता है, सहना पड़ता है, वो जानते हैं कि हम दुनिया में जाकर कहें कि हम विश्व गुरु हैं और हम कहें कि हमारी शहरों में कोई लंदन और पेरिस से और न्यूयॉर्क से कोई कम गली नहीं है, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं तो मोर नाचते हुए मोर की तरह अपने पांव देखते हैं तो क्या होता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, ये हमारा मुरादाबाद, इसको क्या हो गया, इसको क्या कुछ नहीं देने की बात करी थी कभी कांग्रेस पार्टी ने। हम तो उस समय जब उत्तर प्रदेश की सियासत को देखते थे तो फख्र होता था, हर दफा जब मुरादाबाद का नाम लिया जाता था तो फख्र होता था इस बात का कि मुरादाबाद को तो कैसा शानदार शहर बना दिया जाएगा। और आज मुरादाबाद का ये हाल कर दिया है कि सड़कें खोद कर डाल दी हैं और जहां पर 6 इंच और 1 फुट का सीवर होना चाहिए वहां 5-5, 4-4 इंच के पाइप डल रहे हैं। जहां पर आपको और घरों को खुशहाल बनाना और कुशादा बनाने की जरूरत थी वहां घरों पर टैक्स लगाकर मजबूर कर रहे हैं कि लोग घर छोड़ दें। और फिर मुझे तो ताज्जुब हुआ जब मुझे बताया गया कि हजारों लाख यहां से कारीगर मुरादाबाद छोड़कर नेपाल चले गए हैं, बांग्लादेश चले गए हैं। अरे हम तो बांग्लादेश और नेपाल को दिखाना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान आओ और हिंदुस्तान में देखो हमने क्या कुछ नहीं कर दिखाया, और अपने ही मुरादाबाद, अपने ही पड़ोस के, अपने ही साथ के लोग छोड़कर मुरादाबाद चले जाएं। जो मुरादाबाद छोड़कर गया है वो अपने घर को छोड़कर गया है, और घर किस मजबूरी में कोई छोड़ता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मजबूरी में छोड़कर कोई घर गया है, और तुम रोज हमें किस्से सुनाते हो घर वापसी की। अभी मुझसे एक प्रेस वाले ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी शख्स ने ये कहा कि हम तो चाहते हैं कि सभी वो लोग जो हमसे अलग हो गए हैं वो घर वापसी करें और हमारे घर वापस लौट कर आए। तो मैंने ये कहा कि ये पैगाम मुझे मत दीजिए, ये पैगाम इन लोगों पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।